नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग JEE और उससे संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूं, जैसे SSC, PWD, UPPSC, UPSSSC, UPRNL, इन सब संबंधित एग्जाम में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सवाल आते हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं। ये उस सीरीज क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज के 36वां भाग है। इससे पहले यदि आप भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। मैंने अभी तक लगभग थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, बॉयलर और इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन संबंधित सवालों को सॉल्व करा दिया है। अभी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूँ, तो उसके विभिन्न भाग हो चुके हैं। आज जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो है कॉलम एंड स्ट्रट्स, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो टॉपिक कॉलम एंड स्ट्रट, उस सब्जेक्ट से संबंधित सवालों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो है द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव क्रिटिकल लोड फॉर ए लॉन्ग कॉलम फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड द कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड इन अदर एंड फ्री इज, मतलब एक कॉलम है उसके कंप्रेसिव क्रिटिकल लोड लॉन्ग कॉलम के लिए, अगर उसके बोथ एंड फिक्स्ड हो, मतलब बोथ एंड फिक्स्ड एंड और दूसरा स्थिति क्या है, कॉलम विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, इन दोनों स्थितियों में जो उनकी कंप्रेसिव क्रिटिकल लोड होते हैं उनका रेशियो क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। इसमें देखिए, हम पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बता देते हैं कि आयलर्स क्रिटिकल लोड यानी आयलर्स लोड का जो फार्मूला होता है, तो आयलर थ्योरी होती है, कहती है कि जो लोड है वो परफेक्टली एक्सियल अप्लाइड लोड है। तो जो आयलर थ्योरी कहती है, आयलर थ्योरी के अनुसार जो आयलर लोड होता है उसकी वैल्यू होती है PE यानी आयलर लोड इक्वल टू वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई स्क्वायर EI अपॉन LE का स्क्वायर। ठीक, इसमें पाई पाई है, ई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, आई की वैल्यू जो है वो आई मिनिमम लेते हैं, मतलब जैसे आई मिन। ठीक, मतलब ऐसे है कॉलम है कोई रेंडमली रेंडम बॉडी है, अगर हम उसका क्रॉस किसी कॉलम का क्रॉस कोई रेंडम बॉडी है तो जिस स्थिति में इसका जो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो यहाँ पे लिया जाता है, मतलब यहाँ पे जो आई की वैल्यू होती है वो आई मिनिमम होती है, मतलब उस क्रॉस सेक्शन का जो मिनिमम जो होगा वही लेंगे। ठीक, इसके बाद एली मतलब इक्विवेलेंट लेंथ, यहाँ पे क्या है एली की मतलब इक्विवेलेंट लेंथ सॉरी या इफेक्टिव लेंथ भी कहा जाता है, इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ कहा जाता है। देखिए, अलग अलग स्थिति के लिए अलग एल की वैल्यू अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई कॉलम जिसकी लेंथ क्या है, मान लीजिए कोई कॉलम है जिसकी लेंथ एल है, तो देखिए उसके लिए इफेक्टिव लेंथ किसकी कंडीशन में क्या क्या होगी। देखिए, तो इफेक्टिव लेंथ एली की जो वैल्यू होगी वो अगर बोथ एंड फिक्स्ड है, मतलब बोथ एंड क्या है, बोथ एंड फिक्स्ड है, अगर दोनों एंड फिक्स हैं तो एली की जो वैल्यू होगी एल बाई टू होगी, मतलब उसके लेंथ की आधी हो जाएगी। बोथ एंड फिक्स्ड का मतलब होता है कि जैसे एक कॉलम है तो ये पार्ट भी इस तरह से फिक्स है और दूसरा पार्ट भी यहाँ से इस तरह से फिक्स है, अगर बोथ एंड फिक्स्ड हैं तो उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू क्या होती है वो एल बाई टू होती है। अगर दूसरी कंडीशन अगर ले लेते हैं, अगर एंड क्या है, बोथ एंड हिंज्ड हैं, बोथ एंड हिंज मतलब कॉलम इस प्रकार से है जिसमें यहाँ पर भी हिंज लगी हुई है और दूसरी तरफ भी क्या है हिंज लगी हुई है, उस कंडीशन जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू एल, मतलब वो जो लेंथ कॉलम की होगी उसी के बराबर हो जाएगी। ठीक, तीसरी कंडीशन है व्हेन बोथ एंड आर ठीक व्हेन वन सॉरी तीसरी कंडीशन व्हेन वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री, मतलब एक एंड इस प्रकार से फिक्स हो और दूसरा फ्री हो, मतलब कॉलम ऐसा सीधा सीधा हो, तो इस कंडीशन में जो इफेक्टिव लेंथ एल ई की वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है टू एल के, किसके बराबर होती है टू एल के बराबर होती है। और चौथी कंडीशन जो है कि चौथी कंडीशन है कि वन फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड, मतलब कॉलम इस प्रकार से हो कि उसका एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा हिंज्ड हो, दूसरा एंड क्या हो हिंज्ड हो, तो इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है एल बाई अंडर रूट टू, क्या होती है एल बाई अंडर रूट टू के। तो देखिए, चारों कंडीशन के लिए आप याद कर लीजिए, चारों कंडीशन के लिए
ठीक, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एक, ठीक, इससे संबंधित सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू अगर आपको पता है तो उसी के आधार पर आप सॉल्व करा पाएंगे। ठीक, तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू एल इक्वल टू कि एल ई इक्वल टू एल, एल ई इक्वल टू एल कब होगी, जब बोथ एंड आर हिंज, मतलब दोनों एंड क्या हैं, हिंज रहे, मतलब दोनों तरफ हिंज लगी हुई है, बोथ एंड हिंज। और यही एल ई की वैल्यू क्या है, टू एल होती है, इसकी वैल्यू टू एल क्या होती है, जब एक वन एक एंड क्या हो, फिक्स हो और दूसरा क्या हो, फ्री हो, एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री, मतलब वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। और यही इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू एल बाई टू होती है, एल बाई टू कब होती है, एल बाई टू होती है जब बोथ एंड आर फिक्स्ड, मतलब उसके दोनों एंड क्या हैं, फिक्स हैं, मतलब दोनों एंड क्या हों, फिक्स हों। और यही वैल्यू एल ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये जो एल ई की वैल्यू है ये इक्वल टू एल बाई अंडर रूट टू हो जाती है, इफ़ क्या है, यदि एक एंड वन एंड क्या है, फिक्स हो जाए, मतलब एक सिरा फिक्स हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, हिंज हो जाए, ठीक, मतलब एक सिरा फिक्स हो दूसरा सिरा हिंज हो, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, ठीक। तो ये इफेक्टिव लेंथ ही आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो अब इस सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल इन्होंने क्या कहा है कि क्या होगा, द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव क्रिटिकल लोड फॉर ए कॉलम फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री इज। तो हम जानते हैं कि आयलर लोड के का वैल्यू क्या होती है, आयलर लोड की वैल्यू होती है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन क्या है, अपॉन एल ई का स्क्वायर, इक्विवेलेंट स्क्वायर लेंथ या फिर लेंथ स्क्वायर या फिर इफेक्टिव लेंथ। तो देखिए इन दोनों में देखिए इन्होंने कहा एक एंड क्या है, देखिए वो सब पहले छोड़, देखिए पाई तो कांस्टेंट रहेगा, ई क्या है, दोनों मर का मटेरियल सेम है तो ई भी सेम रहेगा, आई क्योंकि उनके क्रॉस सेक्शन भी इन्होंने कोई कहा चेंज नहीं किया है तो वो भी अभी सेम रहेगा। तो सीधे सीधे हम लोग मान सकते हैं कि दोनों का जो दोनों दोनों का दोनों कॉलम को कंपेयर करें तो सीधे सीधे उनके हमको इफेक्टिव लेंथ ही कंपेयर करनी है। तो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन में कहा है ए कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड, जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है, व्हेन बोथ एंड आर फिक्स्ड तब इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू हो जाती है एल बाई टू। और दूसरा कंडीशन का वन वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, तब इसी की वैल्यू क्या हो जाती है, तब इसकी वैल्यू हो जाती है 2L। तो दोनों का लोड कंपेयर करना है तो सीधे सीधे पहले कर पहले कंडीशन में लोड डिवाइडेड बाय दूसरे कंडीशन में लोड, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकी इक्विवेलेंट लेंथ, पहले कंडीशन में इक्विवेलेंट लेंथ दूसरे कंडीशन में डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट पहले कंडीशन में, इन दोनों का हमको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, ठीक। यही से हमको फार्मूला भी मिला था कि क्या है, जो इफेक्टिव लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, इन्वर्सली भी क्या कहें कि आयलर्स लोड या क्रिपलिंग लोड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव लेंथ के वर्ग के बराबर। तो एल ई दूसरे कंडीशन में इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 एल का स्क्वायर, और पहले कंडीशन में का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा इनका अनुपात हो जाएगा 16:1, ठीक। तो आंसर क्या होना चाहिए, 16:1 होना चाहिए आंसर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है 16:1 नहीं दिया हुआ है, तो ये ठीक, तो हमारा जो आंसर जो सबसे ये इसको लगभग इसको मान सकते हैं 1:16, ठीक। इन चारों में से चूज करना है तो बेस्ट आंसर आपका 1:16 को दे सकते हैं, ठीक। लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16:1 ही होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर डी एंड इंटरनल डायमीटर डी किसी स्मॉल डी कैरीज एन एसेंट्रिक लोड डब्लू, द ग्रेटेस्ट एसेंट्रिसिटी विद द लोड कैन बी अप्लाइड विदाउट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम वुड बी। देखिए एक उन्होंने कहा है कि एक कॉलम है जो शॉर्ट कॉलम है उसका बाहरी डायमीटर कैपिटल डी है और इंटरनल डायमीटर क्या है स्मॉल डी, मतलब खोखला कॉलम है जो इंटरनल डायमीटर क्या है स्मॉल डी है। इन्होंने कहा है कि एक लोड डब्लू अप्लाई किया गया है, इस पर एक लोड डब्लू अप्लाई किया गया है, तो उन्होंने कहा ये डब्लू लोड की एसेंट्रिसिटी कितनी हो, मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितनी हो, किस कॉलम में टेंशन ना हो और सिर्फ क्या हो ये क्या है क्रशिंग लोड हो, मतलब सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि ऐसा समझिए
एक शॉर्ट कॉलम जिसका डायमीटर दिया, इसमें कैरीज एसेंट्रिक लोड डब्ल्यू, द ग्रेटेस्ट एसेंट्रिसिटी मतलब एसेंट्रिसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो कि इस पर जो लोड अप्लाई किया जाए वो क्या कहते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग टेंशन, मतलब किसी प्रकार का टेंशन ना उत्पन्न करें, ठीक। सिर्फ मतलब कॉलम में क्या है, कॉलम को सिर्फ कंप्रेसिव उत्पन्न करें, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसके लिए क्या कहते हैं एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं जिसे कहते हैं कोर या कर्न का कॉन्सेप्ट कहते हैं, कोर या कर्न, ठीक। कोर या कर्न किसी कॉलम के लिए सी ओ आर ई कोर, या कभी कभी इसे कहा जाता है के ई आर एन कर्न कहा जाता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, कोई कॉलम होता है, जब कोई कॉलम मान लीजिए कोई कॉलम है उसका ऐसा एरिया, उसके सेंट्रल का ऐसा एरिया कि जिस एरिया में किसी भी जगह पर यदि हम लोड अप्लाई करें तो उस लोड के कारण टेंशन क्या कॉलम में किसी पर टेंशन ना उत्पन्न हो, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव लोड ही उत्पन्न हो, ठीक। मतलब क्या है, एसेंट्रिक लोडिंग करने पर यदि किसी कॉलम का वह एरिया जिसमें एसेंट्रिक लोडिंग करने पर कॉलम में किसी प्रकार टेंशन उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन ही उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कोर या कर्न कहते हैं, ठीक। तो कोर या कर्न कहते हैं, तो अलग अलग जो कॉलम होते हैं अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए कोर या कर्न की वैल्यू अलग अलग होती है। तो उससे कि सबसे पहले अगर हम किसी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें, क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें, तो मान लीजिए कि इसकी ये इसकी हाइट है h, ठीक। इसकी लेंथ ले लेते हैं सॉरी इसकी लेंथ b सॉरी ले लेते हैं, b इसकी विथ ले लेते हैं, h इसकी हाइट ले लेते हैं। तो किसी रेक्टेंगुलर का जो कॉलम होता है उसमें यदि इस प्रकार से लोड अप्लाई किया जाए तो उसमें जो कर्न कोर या कर्न होता है वो इस प्रकार शेप का होता है, मतलब वो भी रेक्टेंगल ही होता है, इसको तो रेक्टेंगल मान लीजिए, वो इस प्रकार से होता है कि या ये जो ये लेंथ है आपको ये लेंथ मिलेगी, ये होती है b बाई थ्री के वैल्यू के बराबर होती है, किसके बराबर होती है b बाई थ्री के वैल्यू के बराबर होती है, और इस रेक्टेंगल की जो ये वाली हाइट प्राप्त होती है ये h बाई थ्री के वैल्यू के बराबर प्राप्त होती है, किसके बराबर प्राप्त होती है h बाई थ्री। मतलब अगर कॉलम कोई क्रॉस सेक्शन है जिसका जिसके हाइट क्या है h है, और तो उसके सेंटर पे h बाई थ्री हाइट का एक रेक्टेंगल जो डायमंड सेक्शन हो, डायमंड सेक्शन के फॉर्म में है, मतलब डायमंड सेक्शन इस प्रकार के सेक्शन के फॉर्म में हो, ठीक। तो उस क्षेत्र में यदि हम कोई लोड लगाएंगे तो जो लोड में अगर हम इस क्षेत्र में कोई लोड लगाएंगे W, तो जो अगर कॉलम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव लोड उत्पन्न होगा, टेंसाइल लोड उत्पन्न नहीं होगा, ठीक। और उसी प्रकार यदि इसका जो डायमंड सेक्शन है, इस डायमंड सेक्शन की जो विथ होगी उसकी क्या होगी, वो टोटल विथ की जो आपकी टोटल विथ है उस टोटल विथ की बी बाई थ्री वन बाई थर्ड होगी। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि यदि आपके पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी हाइट क्या है एच है, और या फिर जो भी हाइट दिया हो, या फिर दूसरा जो उसके विथ बी है, तो उसके सेंटर पे एक डायमंड सेक्शन प्राप्त होता है, वो भी ठीक डायमंड सेक्शन प्राप्त होता है। इस सेक्शन की जो ये एक डायगोनल होता है उसकी लेंथ जो होती है बी बाई थ्री होती है, और जो दूसरा डायगोनल प्राप्त होता है उसका इसकी लेंथ क्या होती है एच बाई थ्री होती है। मतलब इस एरिया में यदि हम लोड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसमें किसी प्रकार का टेंशन उत्पन्न नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन उत्पन्न होगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि इसको ठीक। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से इसकी एसेंट्रिसिटी मतलब जो लोड की एसेंट्रिसिटी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो हमेशा किससे कम होनी चाहिए, शुड बी लेस देन बी बाई सिक्स। मतलब अगर जो इसकी लेंथ है बी बाई सिक्स से हमेशा कम होनी चाहिए। मतलब सीधे सीधे समझिए कि अगर कोई लोड है जिसकी एसेंट्रिसिटी बी बाई सिक्स से कम है तो कॉलम में सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव लोड उत्पन्न करके टेंसाइल लोड उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि कंप्रेसिव लोड क्या है, जिस तरफ कंप्रेशन उत्पन्न करता है उसके दूसरी साइड वो टेंसाइल भी उत्पन्न करता है, ठीक। तो ये जो हम लोग कर्ण प्राप्त होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, इसको कहा जाता है मिडिल थर्ड रूल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मिडिल थर्ड रूल, कि मिडिल थर्ड थर्ड रूल मतलब एक तिहाई रूल, मतलब मध्य का एक तिहाई रूल कहा जाता है। मतलब जो बीच का वन थर्ड पोर्शन होता है वो ऐसा कोर या कर्ण का काम करता है,
इसी प्रकार यदि हम किसी सर्कुलर सेक्शन के लिए लेते हैं, तो किसी सर्कुलर सेक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें कोर या कर्ण की, तो देखिए मान लीजिए कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका डायमीटर कैपिटल डी है, तो इसके बीच में अगर हम कोई एरिया लेते हैं स्मॉल डी, ठीक, तो अगर उसका डायमीटर जिसके मतलब जो कोर या कर्ण है इसका डायमीटर जो हमको प्राप्त होगा, इसका डायमीटर यदि जो उसका कोर का डायमीटर उससे 1/4 है, मतलब इसका जो डायमीटर प्राप्त होता है 1/4 है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में जो इसके अंदर अगर हम इस एरिया के अंदर लोड लगाते हैं तो जो कॉलम में लोड उत्पन्न होगी, कॉलम में जो स्ट्रेस उत्पन्न होगी वो टेंसाइल नहीं होगी कभी भी, ठीक। तो ये होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। तो देखिए मतलब मध्य का 1/4 भाग क्या है इसमें, इस प्रकार कोर या कर्ण का काम करता है, तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिडिल फोर्थ रूल। इसे क्या कहा जाता है, मिडिल फोर्थ रूल, इसे कहते हैं मिडिल फोर्थ रूल, मतलब मध्य का चतुर्थ नियम या मध्य का चौथा नियम कहते हैं, ठीक, फोर्थ रूल मतलब चौथाई भाग करके, ठीक। तो इसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मिडिल फोर्थ रूल कहा जाता है, ठीक। तो इसमें जो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए किससे, d/8 से, या तो इक्वल हो जाए या तो फिर d/8 से कम हो जाए, ठीक। तो यदि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू d/8 से कम हो जाती है तो उस कंडीशन में कि सर्कुलर सेक्शन के लिए जो लोड अप्लाई होगा वो टेंसाइल लोड उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक। अब यही चीज़ अगर हम किसी हॉलो क्रॉस सेक्शन के लिए देखें, मतलब अगर ये एक बड़ा कैपिटल डायमीटर डी है और स्मॉल डायमीटर स्मॉल डी है, मतलब ये जो है ये स्मॉल डी है और ये जो कैपिटल डायमीटर है वो कैपिटल डी है, ठीक। तो इस स्थिति में क्या होता, इस स्थिति में एसेंट्रिसिटी जो ई की वैल्यू है ये हमेशा कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए d² + d² / 8d के, ठीक। यस, क्या होना चाहिए, d² + d² / 8d के, ठीक। तो इसमें जो एसेंट्रिसिटी हो, इस एसेंट्रिसिटी के भीतर अगर कोई लोड उत्पन्न होता है इस एसेंट्रिसिटी से, तो जो इसमें जो जिसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होगी वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव होगी, टेंसाइल नहीं होगी, ठीक। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका सवाल हो गया, ठीक। तो अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है एक शॉर्ट कॉलम जिसका एक्सटर्नल डायमीटर डी है, इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी है, मतलब इन्होंने हॉलो क्रॉस सेक्शन के लिए पूछा है। तो हम जानते हैं हॉलो क्रॉस सेक्शन के लिए जो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो सकती है d² + d² / 8d, मतलब इससे कम ही होना चाहिए यदि हमें कॉलम में टेंशन को प्रोड्यूस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन ही प्रोड्यूस करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एक ही। देखिए नीचे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होनी चाहिए d² + d² / 8D, ये भी होना चाहिए, ये होना चाहिए आंसर आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। ये ठीक है, सेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होनी चाहिए, फिर देख लीजिए शायद मैंने यहाँ पे इसमें ये डी लिखना भूल गया हूँ, तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू d² + d² / 8d, मतलब जो होगा नीचे वो कैपिटल डी होगा, ठीक। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ई शुड बी ऑलवेज लेस देन d/8 होना चाहिए, किससे भाई, उसका जो भी डायमीटर उसका आठवें भाग से कम होना चाहिए, ठीक। तो उसको किस क्या कहते हैं, ये जो आता है ये आता है मिडिल 1/4 रूल से आता है, जबकि ये मिडिल 1/4 रूल से नहीं आता, ये अलग तरीके से आता है, ठीक। तो हो गया इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ डायमीटर ऑफ ए लॉन्ग कॉलम इज रिड्यूस्ड बाई 20% द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन आयलर बकलिंग लोड इस, ठीक। इन्होंने कहा है कि यदि किसी लॉन्ग कॉलम का डायमीटर 20% कम कर दिया जाए तो आयलर बकलिंग लोड में कितनी कमी आ जाएगी, ठीक। तो हम जानते हैं आयलर बकलिंग लोड का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू होता है πe² ei / l² ठीक। तो देखिए ये तो इन्होंने कहा क्या है πe² तो और ई मटेरियल है तो चेंज नहीं होगा, एल ई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या है डायमीटर चेंज कर, तो डायमीटर हम जानते हैं क्या है, आई डिपेंड करता है डायमीटर पे, ठीक। मतलब आयलर लोड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई के। तो हम जो सीधे सीधे कह सकते हैं
कि फर्स्ट कंडीशन में जो आयलर लोड है और सेकंड कंडीशन जो आयलर लोड है, दोनों का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, पहले कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरे कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही अनुपात होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। तो दूसरी कंडीशन में भी क्या होगा, पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। पहली कंडीशन में D1 ले लीजिए, दूसरे कंडीशन D2 ले लीजिए, पाई बाई 64 दोनों में कैंसिल हो गया। तो क्या सीधे सीधे हमको मिल गया, दोनों जो आयलर्स लोड का जो अनुपात मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन में जो डायमीटर का डायमीटर टू दी पावर 4 है और दूसरे कंडीशन में डायमीटर टू दी पावर 4। तो पहले कंडीशन मान लीजिए डी है तो डी टू दी पावर 4 कर लीजिए, दूसरे कंडीशन क्या है, रिड्यूस्ड बाय 20%। 20% क्या है, कम कर दिया गया। जब 20% कम कर दिया गया तो कितना बचा, जब 20% कम कर देंगे तो बचेगा कितना, 80%, मतलब 0.8। तो हो जाएगा 0.8 डी टू दी पावर 4, ठीक, 0.8 दोनों का वर्ग मिला लेंगे तो हो जाएगा डी टू दी पावर 4, 0.8 टू दी पावर का हम लोग चार बार करेंगे तो कितना, 64 को दो बार करेंगे तो सीधे सीधे हमको यहाँ जो प्राप्त हो जाएगा ये मिल जाएगा, लगभग दोनों का जो अनुपात प्राप्त होगा वो हो जाएगा P1 और P2, इनको सॉल्व करेंगे तो P1 और P2 का जो अनुपात प्राप्त होगा ये लगभग हो जाएगा 0.41 के बराबर, ठीक। तो 0.41 के बराबर हो जाएगा, मतलब जो लोड में रिडक्शन है, ठीक, मतलब जो P2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, इनका जो अनुपात प्राप्त होगा ये इक्वल टू 1.41 प्राप्त होगा, ठीक, 1.41 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे कि P2 की वैल्यू क्या है, 0.41 P1 की वैल्यू है, मतलब क्या सीधे सीधे कि लगभग लोड है वो 41% बचा, तो रिडक्शन कितना हो गया, रिडक्शन 59% रिडक्शन हमको प्राप्त होता है, मतलब जो लोड है वो 59% तक कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन लोड इक्वल टू 59% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने देखिए मैच करने के लिए दिया है, जो अभी हमने आपको बताया था इफेक्टिव लेंथ के बारे में वही दिया है। तो इन्होंने कहा है एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम दिया है लिस्ट वन में, दूसरी लिस्ट में दिया है इक्विवेलेंट लेंथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ हिंज्ड कॉलम, ठीक, इक्विवेलेंट लेंथ पुनः है, ठीक, हिंज्ड ऑफ हिंज, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द लोड कोट्स गिवन बिलो देन द लिस्ट, ठीक। इन्होंने कहा है दोनों को मैच करना है। तो देखिए पहला दिया है बोथ एंड हिंज्ड, जब बोथ एंड हिंज्ड होते हैं तब इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू क्या होती है, तब इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू क्या होती है, L के बराबर होती है, मतलब जो उसकी लेंथ होती है कॉलम की वही हो जाती है। तो इस A का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो A का 1 कहाँ दिया है, A और B में दिया है, तो हम लोग का C और D कैंसिल हो गया। तीसरा दिया है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, अगर एक एंड फिक्स्ड और दूसरा एंड फ्री है तो उस कंडीशन में L की वैल्यू क्या होती है, 2L के बराबर होती है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दूसरे के लिए 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। तो हम इतने में ही चूज़ कर लिए, बाकी भी देख लिए, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिज्ड, एक एंड फिक्स्ड और दूसरा एंड क्या है, हिंज है, तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट लेंथ कितना हो जाता है, एल अंडर रूट 2 हो जाता है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उसके लिए 2 हो जाएगा। और इसके लिए बोथ एंड फिक्स, जब बोथ एंड फिक्स्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट लेंथ कितना हो जाएगा, एल बाई 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए एल बाई 2, मतलब इसके लिए तीसरा, तो मतलब 1 4 1 4 2 3, तो यही आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें जरूर क्वेश्चन पूछता है, इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ कॉलम क्या होगी, उसके आधार पर जरूर क्वेश्चन एक ना एक पूछता ही है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक शॉर्ट कॉलम ऑफ सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल सब्जेक्टेड टू एन एसेंट्रिक वर्टिकल लोड पी एट एन एसेंट्रिसिटी ए, टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेस इन द शॉर्ट कॉलम द एसेंट्रिसिटी ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक। इन्होंने कहा सीधा सीधा कि ऐसा समझिए कि एक मतलब क्या है, इस प्रकार रेक्टेंगल कॉलम है जो उन्होंने दिया है, देखिए बी इसकी विथ है, ठीक, और एच क्या है इसकी हाइट है, हाइट या लेंथ कोई भी ले लीजिए क्योंकि कॉलम तो ऐसा होगा, उसका क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से होगा। इन्होंने एक एसेंट्रिसिटी मतलब जो कॉलम का सेंटर है इससे ई सेंटर दूरी पर एक लोड लगा हुआ है, तो उन्होंने पूछा ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जिसके लिए
जिसके लिए कॉलम में हम अगर हम उस एसेंट्रिसिटी पर लोड लगाएं तो कॉलम में सिर्फ और सिर्फ क्या है कंप्रेसिव लोड उत्पन्न हो, टेंसाइल लोड उत्पन्न ना हो। क्या कहते हैं उन्होंने, क्या कहते हैं, अवॉइड द टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस अवॉइड ना हो, टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न ना हो, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस अवॉइड की जाए। तो हम जानते हैं कि एसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए, एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बी बाई सिक्स होनी चाहिए, या फिर दूसरे वर्ड्स में कभी कभी इसी को हम लोग कह सकते हैं एच बाई सिक्स। ठीक, तो ये हम जानते हैं, वही मिडिल थर्ड रूल बताए थे आपको, तो क्या होनी चाहिए एच बाई सिक्स या बी बाई सिक्स होनी चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। ठीक, तो सीधे सीधे से समझिए कि होता क्या है कि अगर अगर हम किसी कॉलम में अगर जो बेंडिंग स्ट्रेस है आपकी, जो बेंडिंग स्ट्रेस है और वो अगर क्या कहते हैं ना टेंसाइल ना हो पा रही हो, तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो हमेशा कंप्रेसिव हो गया, तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू क्या है टेंसाइल ना हो, तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो लोडिंग है वो कंप्रेसिव लोडिंग हो रही है। तो उस जो एरिया को प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है या कर्न कहा जाता है। तो एसेंट्रिसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, बी बाई सिक्स या एच बाई सिक्स। ठीक, तो लेकिन जो एरिया हम लोग को प्राप्त होगा इसके अंदर, जो कोर का एरिया प्राप्त होगा उसकी जो विथ होगी वो कितनी होगी, एच बाई थ्री होगी और बी बाई थ्री होगी। मतलब क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड है, एसेंट्रिसिटी तो इसकी एक साइड ही नापी जाएगी। तो एसेंट्रिसिटी क्या है, उस जो कोर या कर्ण का एरिया है या कर्ण की जो डायगोनल है उसका हाफ हो जाएगी एसेंट्रिसिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज डिफाइंड एज। ठीक, कॉलम के स्लेंडरनेस रेशियो किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बता देते हैं स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। स्लेंडरनेस रेशियो को एस से डिवाइड किया, एस से डिनोट किया जाता है। ठीक, स्लेंडरनेस रेशियो एस से, ये जो होता है ये होता है ए इफेक्टिव लेंथ मतलब एल ई और रेडियस ऑफ गायरेशन के। ठीक, इन दोनों का अनुपात होता है। ठीक, लिस्ट ओके। देखिए जो स्लेंडरनेस रेशियो इज द अनु, और ये किसका अनुपात है, एल ई क्या है इफेक्टिव लेंथ है और के क्या है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन है। यहाँ यही आपको याद रखना है कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम जानते हैं कि ए के स्क्वायर क्या होता है आई के बराबर होता है। तो अगर हम लोग आई की वैल्यू मिनिमम लेंगे तो के की वैल्यू मिनिमम प्राप्त हो जाएगी। तो के की मिनिमम के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाती है, अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ए हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है उसमें इसको रख के निकाल सकते हैं। देखिए अगर किसी कॉलम के लिए, किसी कॉलम के लिए कि यदि स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू लेस है मतलब कम है, तो क्या हो जाएगी, वो बॉडी क्रशिंग हो जाएगी। इस बॉडी की जो फेलियर होगा वो किसके थ्रू होगा, अगर बॉडी के लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या लेस है तो बॉडी जो फेलियर होगी वो क्रशिंग फेलियर होगा। किस प्रकार का फेलियर होगा, क्रशिंग फेलियर होगा। लेकिन यदि स्लेंडरनेस रेशियो एस की वैल्यू क्या है, हाई है, तो इसके जो फेलियर होगा इसका फेलियर बकलिंग के कारण होगा। क्या, किसके कारण होगा, बकलिंग फेलियर होगा। तो आपको दोनों प्रकार का फेलियर समझना चाहिए। क्रशिंग फेलियर मतलब जैसे जो कॉलम है इसको फेल होगा तो ये क्रश होकर के चकनाचूर हो जाएगा, और बकलिंग कारण जैसे ये कॉलम है तो ये अपने स्थान से इस प्रकार से बकल होकर के टूट जाएगा, मतलब ट्रांसवर्स फेलिंग। जो बकलिंग फेलियर है वो ट्रांसवर्स फेलिंग है, मतलब जिस लोड है उस लोड के डायरेक्शन में फेल ना होकर के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेल होता है। तो इन्होंने पूछी, तो इसे कहते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। अगर हम सिलेंडरनेस रेशियो हम जान गए हैं, सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या होती है, यस होती है, या इस एस की वैल्यू क्या होती है, या मतलब एल ई डिवाइडेड बाय के होती है। तो हम जानते हैं आयलर लोड, आयलर लोड क्या होता है, पी ई इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड आई, हमेशा देखिए आई हमेशा मिनिमम ही लेंगे, यहाँ जो बी आई लेंगे वो मिनिमम लेंगे, डिवाइडेड बाय एल ई का स्क्वायर। अगर इसमें सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू को रखना चाहे तो हमारा जो आयलर लोड का फार्मूला बन जाता है पी ई, ये इक्वल टू बन जाता है पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय किसका, डिवाइडेड बाय सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर। ठीक, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको सिलेंडरनेस रेशियो दिया हुआ हो तो उसको भी, उससे भी हम लोग आयलर लोड निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका आंसर इन्होंने क्या पूछा है कि सिलेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, रेशियो ऑफ इट्स, यहाँ इफेक्टिव लेंथ वर्ड लिखना चाहिए था,
इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट लेंथ लिखा हुआ है, इफेक्टिव लेंथ टू इट्स लीड एसिड ऑफ लीड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इफ सिग्मा सी एंड ई डोनेट द क्रशिंग स्ट्रेस एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। मतलब जो सिग्मा सी है, ठीक, वो बताओ सिग्मा सी क्या है, उसका क्रशिंग स्ट्रेस है, और ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल कॉलम है। देन द आयलर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड ऑफ ए कॉलम मेड ऑफ दिस मटेरियल ओनली इफ इट्स सिलेंडर रेशियो इज। मतलब अगर सिग्मा सी उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हमको पता है और ई क्या है उसके सेंट्रिसिटी पता है, सेंट्रिसिटी नहीं मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, ठीक, तो आयलर फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाना चाहिए। तो आयलर फॉर्मूला अप्लाई करने का सीधा सीधा फार्मूला होता है कि जिस जब तक क्या है आयलर फॉर्मूला मतलब सिलेंडर क्या है, जब तक क्रशिंग लोड क्या है आपका क्रशिंग लोड ठीक, क्रशिंग लोड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बकलिंग लोड है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है एक आयलर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आयलर फार्मूला जो अभी हमने आपको बताया था, तो जो क्रशिंग लोड की वैल्यू होती क्या है सिग्मा सी होती है इनटू अगर हम कॉलम के एरिया का डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो ये शुड बी इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। बकलिंग लोड की वैल्यू हमने क्या बताई, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई कितना एल ई का स्क्वायर बताया है। ठीक, तो इसको दोनों को हम जानते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आप पाएंगे कि सिग्मा देखिए पाई एल स्क्वायर एल ई डिवाइड आई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए के का स्क्वायर लिख सकते हैं, और के यहाँ डिवाइड में ले आइए। ठीक, तो ये एल ई बाई के स्क्वायर इस तरफ आ गया, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये पाई स्क्वायर ई वहीं रह जाएगा, ठीक, ए वहीं रख दीजिए, ठीक, और सिग्मा सी नीचे ले आइए, और सिग्मा सी और ए नीचे ले आए, सिग्मा सी से सिग्मा सी वहीं कट गया, तो जो हम लोग कंडीशन प्राप्त हो जाती है वो प्राप्त हो जाती है एल ई डिवाइडेड बाय के शुड बी ई ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय सिग्मा सी का अंडर रूट। ठीक, तो मतलब आयलर लोड ठीक यही चीज़ जो है इसी यही क्या है आपका सिलेंडरनेस रेशियो, मतलब आयलर लोड या आयलर फार्मूला अप्लाई करने की जो कंडीशन है वो ये है कि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू होने चाहिए अंडर रूट पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय सिग्मा सी। सिग्मा सी क्या है, सिग्मा सी आपका क्रशिंग स्ट्रेस है। ठीक, तो इसी को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा, अब देखिए हमको पता चल गया कि उससे अधिक होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जो सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए अंडर रूट। ठीक, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाहर आ जाएगा, तो पाई अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय सिग्मा सी, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसी हिसाब समझ जाइए कि आयलर लोड अप्लाई करने के लिए उसका कंडीशन क्या है, आयलर लोड अप्लाई करने के लिए कंडीशन है कि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड, मतलब एक मेंबर जो कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स से कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स इस पर लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको दो चीज़ के कहा जाता है, तो कॉलम कहा जाता है या स्ट्रट कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर जो एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इस पर लगाया गया उसे क्या कहा जाता है, कॉलम या स्ट्रट कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रट। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, इफ वन एंड ऑफ ए हिंज्ड कॉलम इज मेड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, ठीक इफ वन एंड ऑफ हिंज्ड कॉलम इज मेड फिक्स्ड एंड अदर फ्री हाउ मच इज द क्रिटिकल लोड कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू। तो मैंने देखिए अभी आपको बताया था कि जो आयलर लोड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, इफेक्टिव लेंथ के वर्ग के बराबर है, तो दोनों कंडीशन में हम लोग इसके लोड को कंपेयर कर देते हैं। ठीक, तो वन एंड इज हिंज्ड कॉलम, एंड ऑफ हिंज्ड कॉलम जो मतलब इस हिंज्ड कॉलम जिसके बोथ एंड हिंज्ड है, तो उस कंडीशन में एल ई की वैल्यू क्या थी, पहले एल ई की वैल्यू इक्वल टू बोथ एंड जब
हिंज्ड होता है, तो उस कंडीशन में एल ई की वैल्यू क्या होती है, उस कंडीशन में एल ई की वैल्यू हो जाती है यल के बराबर। तो उन्होंने कहा कि उसका एक एंड इस मेड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, मतलब हिंज्ड कॉलम जिसके दोनों साइड हिंज थे उसका एक कॉलम क्या है फिक्स्ड कर दिया गया, दूसरा फ्री कर दिया। इस कंडीशन में एल ई की वैल्यू क्या हो जाती है, इस कंडीशन में एल ई की वैल्यू हो जाती है 2L हो जाती है। तो आयलर लोड का हम लोग कंपेयर कर देंगे तो P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, LE2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय LE1 का स्क्वायर, है ना, LE2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय LE1 का स्क्वायर। LE2 क्या है, 2L है, तो 2L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर, तो L से L कट गया तो क्या हो गया 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा 4। तो मतलब इन्होंने क्या कहा कि इसका क्या कहा, इन्होंने 4 टाइम हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखिए तो हमने निकाला है कि P1/P2 इक्वल टू निकाल दिए तो हम कितना आ गया हम लोग को 4 टाइम्स, ठीक है, आ गया आपका 4। तो इन्होंने क्या पूछा, वो द क्रिटिकल लोड कम्पेयर ओरिजिनल वैल्यू, मतलब P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 की वैल्यू P1/4 हो जाएगा, मतलब उसका चौथाई हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सेम मटेरियल हाइट एंड वेट हैव द सेम एंड कंडीशन, ठीक। इन्होंने कहा है कि चार वर्टिकल कॉलम्स को सेम मटेरियल, मतलब ई सेम है, हाइट एच भी सेम है, वेट सब सेम है, तो विच क्रॉस सेक्शन विल कैरी द मैक्सिमम लोड, कौन सा क्रॉस सेक्शन सबसे मैक्सिमम लोड कैरी करेगा। तो हम जानते हैं कि आयलर लोड क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल ई का स्क्वायर होता है। तो हम जानते हैं, देखिए इस कंडीशन में पाई स्क्वायर क्या है, कॉमन है, मटेरियल भी सेम है, तो ई देखिए अब लेंथ क्या है, लेंथ को एंड कंडीशन पे इफेक्टिव लेंथ निर्भर करती है, तो भी इन्होंने सेम कह रखा है कि एंड कंडीशन में सेम है। तो जो आयलर लोड है सिर्फ किस पे डिपेंड कर, आई पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब सीधे सीधे से समझिए कि आयलर लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जो लोड है वो आई पे डिपेंड कर रहा है, जिसका आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वो क्या है, वो चीज़ वो अधिक से अधिक लोड क्या है बियर कर पाएगी। तो आई किसका ज़्यादा होगा, आई उसी का ज़्यादा होगा जिसका मटेरियल सेंटर से अधिक दूर पर होगा। तो देखिए अगर हम सॉलिड क्रॉस सेक्शन का मटेरियल, तो उसमें क्या मटेरियल पूरा भीतर तक भरा रहता है, ठीक, तो इसमें क्या होगा मटेरियल, ठीक, इसकी रेडियस ऑफ गायरेक्शन, ठीक। हॉलो सिलेंडर सेक्शन में क्या होता है, मटेरियल क्या है अपने सेंटर से दूर की ओर होता है, ठीक। तो हॉलो क्रॉस सेक्शन है, अगर हॉलो क्रॉस सेक्शन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सेंटर से थोड़ा दूर रहेगा तो इसका रेडियस ऑफ गायरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। और सॉलिड क्रॉस सेक्शन है तो सॉलिड क्रॉस सेक्शन में सेंटर के बीच में मटेरियल होगा तब भी, और आई सेक्शन में भी सेंटर के बीच मटेरियल होगा। तो देखिए तो बकलिंग की कंडीशन में जो उस क्रॉस सेक्शन जो सबसे मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है वो होता है थिन सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि थिन हॉलो सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि इसका मटेरियल क्या है सेंटर से दूर की ओर होता है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, इसीलिए मैक्सिमम लोड को बियर कर सकता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द कोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन व्हेन यूजेस एज द शॉर्ट कॉलम। इन्होंने कहा है कि रेशियो ऑफ द कोर ऑफ दे, मान लीजिए कोई क्या है, एक तो बी विथ का है और एच क्या है इसकी हाइट है, तो इसका कोर जो होता है वो इस प्रकार से होता है, तो इस कोर का क्या होता है, इस कोर ये जो कोर होता है इसकी इसका ये जो ये लेंथ होती है कितना होता है, ये लेंथ होता है h/3 हो जाता है, और ये लेंथ जो होता है ये कितना हो जाता है b/3 हो जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि इस कोर के एरिया और रेक्टेंगुलर सेक्शन के एरिया दोनों का अनुपात क्या होता है। तो देखिए कोर का एरिया कितना हो जाएगा, कोर का एरिया देखिए इस तरह से है, इसके भीतर इस प्रकार क्रॉस सेक्शन है, तो हम मान सकते हैं चार त्रिकोने हैं, तो एक जो त्रिभुज है उसका एरिया हो जाएगा 1/2 into b/3 into h/3 हो जाएगा,
एक, और इसी प्रकार के चार त्रिभुज है तो इंटू फोर, टोटल कोर का एरिया क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा एक बटे दो इंटू बी बाई थ्री इंटू एच बाई थ्री इंटू फोर। और जो इनिशियल एरिया क्या है, इनिशियल एरिया जो आपको ये बी है और ये एच है, इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा तो इंटू बी बाई एच, तो बी बाई एच से बी बाई एच कैंसिल हो गया। तब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, ये जाएगा दो दूनी चार, तो जाएगा दो बटा तीन त्रिका नौ, ठीक कितना हो जाएगा, सॉरी ये बी बाई थ्री नहीं बी बाई सिक्स होंगे ना, क्योंकि एक जो छोटा सा त्रिकोण लेंगे तो इसका बी बाई सिक्स होगा, तो ये हो जाएगा ये तो दो दो नीचे दो तीन छः तीन अठारह, तो ये जाएगा आंसर आपका हो जाएगा वन बाई एटीन, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा वन बाई एटीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हम लोग का आंसर हो जाएगा सी वन बाई एटीन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए 4 meter लॉन्ग सॉलिड राउंड इज यूज एज अ कॉलम, इज यूज अ कॉलम हैविंग वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, मतलब एक कॉलम है, एक 4 meter लॉन्ग सॉलिड राउंड बार है, मतलब L की वैल्यू क्या है 4 meter दी हुई है, ठीक L की वैल्यू क्या है इन्होंने 4 meter दे रखी है। यूज एज अ कॉलम है वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है, एक एंड फिक्स और दूसरा फ्री है, तो इस कंडीशन में ये एल ई इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी, मतलब इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, इफ आयलर्स क्रिटिकल लोड ऑन दिस कॉलम इज फाउंड 10 kN, इन्होंने आयलर्स पी ई की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 10 kN, ई ई की वैल्यू क्या है 210 GPa, ई की वैल्यू मतलब 210 GPa। फॉर द मटेरियल ऑफ द बार द डायमीटर ऑफ द बार, इन्होंने डायमीटर इन्होंने पूछ रखा है, तो सीधे सीधे देखिए हम लोग सवाल लगा लेते हैं। हम जानते हैं कि आयलर लोड पी ई की वैल्यू क्या होती है, पी ई की वैल्यू होती है पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल ई का स्क्वायर, तो पी ई की वैल्यू की उन्होंने 10 kN दे रखे, तो 10 × 10 kN इंटू इसको देखिए 10^3 कर दिया इंटू पाई स्क्वायर ही रहेगा। ई ई की वैल्यू उन्होंने 210 GPa दी है, तो इसको MPa में लिख देते हैं, तो इंटू 10^3 कर दिया इंटू आई आई की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं अपन एल ई, एल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एल ई इक्वल टू 2L होगा क्योंकि वन एंड फिक्स एंड अदर एंड इज़ फ्री, तो 4 meter एल की वैल्यू दी है, तो ये क्या हो जाएगी 2 × 4 = 8 हो जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो आई का आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 309101 mm^4। और हम जाते आई मतलब कितना होता है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए आई की वैल्यू होती है π/4/64, ये रख देते इसको बराबर इसके रख देंगे 309101 के, तो डी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 51.1 mm, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 51.1 mm, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 51 के अप्रॉक्स जो आंसर है मतलब ए, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सी जो सवाल में दिया उससे आई निकालना है, आई से फिर हम लोग पाई बाई 64 इक्वल डी 2^4 इक्वल टू रख के इसको सॉल्व कर दिया, तो हमने उन्हें डी की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिलेंडर रेशियो ऑफ 4 meter लॉन्ग कॉलम विथ फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड है तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एंड होता है तो बोथ एंड फिक्स, तो एल इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या है कि एल बाई 2 हो जाती है, मतलब ये इसके एल इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। एंड इफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर ऑफ साइड mm, साइड ऑफ इस मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसका साइड 40 mm, 40 mm का स्क्वायर का एक मतलब क्रॉस सेक्शन है, तो हम जानते हैं सिलेंडरनेस रेशियो यस की वैल्यू क्या होती है, ये इक्वल टू होता है एल ई डिवाइडेड बाई के, तो एल ई की वैल्यू तो 2 पता है 2, के की वैल्यू हमको नहीं पता है, देखिए के की वैल्यू कैसे निकलेगी, के की वैल्यू हम जो जानते हैं कि ए के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आई या ठीक, तो के के क्योंकि मिनिमम है, मिनिमम लीजिए चाहे जो लीजिए आंसर इसमें वही आता है, ए क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू हो जाएगा इसका 40 × 40 इंटू के की वैल्यू के स्क्वायर इक्वल टू आई, आई की मतलब देखिए क्रॉस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होता है b^4/2 12, तो b^4 मतलब 40^4/12, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको यहाँ पे k की वैल्यू इससे निकाल लीजिए जो भी आते हैं, ठीक उसे उसके k की वैल्यू को उठा करके इसमें रख दीजिए, ठीक तो हम लोग जानते हैं सिलेंडरनेस रेशियो एल ई डिवाइडेड बाई के
तो ईएलई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईएलई की वैल्यू हो जाएगी इसका हाफ मतलब 2 डिवाइडेड बाई के की आंसर वहाँ आ जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए तो आपको स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो वैल्यू आएगी आपको स्लेंडरनेस रेशियो की वह आ जाएगी 173.2 mm। ठीक, ये हेल्प किया जाएगी, के की वैल्यू आएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 173, जो आपको सबसे नज़दीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 173 इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे कॉलम एंड स्ट्रट संबंधित स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, लगभग मैंने सभी तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर भी अगर आपको कोशिश इसमें से लगता है कि बच गया है तो उसको आप एक बार एक किताबों से देख लीजिए और अपनी तैयारी बढ़िया कर लीजिए। यदि अभी ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स विस्तार से पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके पहले कि अगर आपको क्वेश्चन सीरीज देखना हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको UPRVNL की सैलरी, लाइफ स्ट्रक्चर और ये सब देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप पढ़ाई तैयारी जारी करते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।